सीमांचल विधानसभा में आज विपक्ष ने प्रश्नकाल से पहले ही सदन में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया। बीजेपी के 9 विधायकों ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने पर सदन में चर्चा की मांग की। स्पीकर द्वारा इसकी इजाजत नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन में जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि नियम 67 के तहत विपक्ष ने काम रोको का प्रस्ताव दिया, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस ने 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। कोविड काल में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो सरकार इसका उत्तर देने में असमर्थ है। राजनीतिक मकसद से फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम सदन में नहीं है। मुख्यमंत्री संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध अपने राष्ट्रीय नेता की जमानत के लिए गुजरात गए हुए हैं। विपक्ष यह बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री महोदय जी हाउस में नहीं है और बजट सत्र आजकल चल रहा है। आज जो नियम 67 के अंतर्गत हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाया था और उसकी वजह यह थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस बजट में कहीं भी नौकरी देने का उस प्रकार से जिक्र नहीं है। उल्टे जो छोटे कर्मचारी जिनको एक अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहां तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स पे जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। नेचोक मेडिकल कॉलेज में, टांडा मेडिकल कॉलेज में और इसके अलावा दूसरी जगह, और जब चंबा में मेडिकल कॉलेज चंबा में जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों हटाया जा रहा है तो जवाब देने के लिए उनके पास कोई उसका उत्तर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस सरकार यही प्रयत्न कर रही है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किसी को अगर दिहाड़ी पर भी लगाया है, छोटा सा भी रोजगार मिला है, छोटा सा भी काम उसका हुआ है, उससे उसको वंचित कैसे कर सके, उस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि जो हमारे आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको नीति के अंतर्गत उनको स्थायी करने में कठिनाई है, टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें, लेकिन हमारी सरकार ने कमेटी बनाई थी और कमेटी बना करके ये तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनके लिए हम कॉरपोरेशन बनाएंगे हरियाणा की तर्ज पर, और उसके साथ एक कमिटमेंट, हॉनेस्ट कमिटमेंट हमने की थी, और वो कमिटमेंट ये की थी कि हम हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में लगे कर्मचारी उनको जहां वो लगे हैं वो यथावत चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट भी अगर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको रिन्यू करने का प्रावधान करेंगे, लेकिन उनको नौकरी से नहीं हटाएंगे, उनको रोजगार से वंचित नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार ने बहुत जल्दी 3 महीने के कार्यकाल में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।